एक बार फिर से राजपथ का नाम बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है। बता दें कि यह तीसरी बार है जब राजपथ का नाम बदला जा रहा है। ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे हुआ करता था, जिसे आज़ादी के बाद बदलकर राजपथ कर दिया गया, जो किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। अब एक बार फिर से इसके नाम में बदलाव किया जा रहा है। इस सड़क को अब राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के इस दौर में लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शहरों और सड़कों के नाम कैसे बदले जाते हैं। तो बता दें कि किसी भी जगह या सड़क का नाम रखने या बदलने का काम वहाँ के नगर निगम या नगर पालिका का होता है। हालांकि नया नाम रखने या बदलने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी ज़रूरी है। राजपथ का नाम बदलने का अधिकार क्षेत्र के न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी NDMC के दायरे में आता है। नाम बदलने को लेकर एक शर्त ये भी है कि किसी एक व्यक्ति की अपील या मांग पर ऐसा नहीं हो सकता है। नाम तभी बदला जाएगा जब उसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, NGO या किसी संगठन की ओर से आया हो। राजपथ के मामले में ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया है। किसी शहर, गांव, सड़क या जगह का नाम रखने या बदलने के लिए गृह मंत्रालय की एक गाइडलाइन है। गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइन 27 सितंबर 1975 को जारी की थी। गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई जगह या सड़क पुरानी है तो उसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। कोई नई जगह या नई सड़क है तो उसका नाम रखा या बदला जा सकता है। हालांकि इस गाइडलाइन में एक पेच है। अगर कोई जगह बहुत पुरानी या कोई सड़क बहुत पुरानी हो गई है तो उसका नाम बदला जा सकता है। बता दें कि किसी सड़क या जगह का नया नाम रखने के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा किसी सड़क या जगह का नया नाम रखने पर कोई भ्रम ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। बता दें कि राजपथ का नाम बदलने के मामले में 7 सितंबर यानी बुधवार को NDMC की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसका मतलब है कि अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन का पूरा सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। BJP की लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। मीनाक्षी लेखी ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राजपथ का नाम बदलने का फैसला मातृभूमि की सेवा के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की शहरी विकास विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। राजपथ का इतिहास क्या है? 1905 में लंदन के जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में एक सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम किंग्सवे रखा गया था। 1911 में जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई थी, तो उन्होंने राजधानी का डिज़ाइन करने के लिए जिम्मा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बोकार को बुलाया था। 1920 में राजपथ बनकर तैयार हुआ था, तब इसे किंग्सवे यानी राजा का रास्ता कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया। हालांकि ये किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। 75 साल से राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है। अब हम राजपथ को राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www